हद तक तुम्हारे लिए मुमकिन है, हम करते हैं, लेकिन आप मस्जिद में, ये मस्जिद है, अगर चाहे लीगली मैं नहीं कह सकता मस्जिद, लेकिन बाहर आप इसको मस्जिद कहते हैं, यहाँ लोग नमाज पढ़ने आते हैं, अगर आप इसकी टू मच सिक्योरिटी कर दें और ऐसी कि वो कंबरसम हो जाए फॉर नमाजी, तो वो बड़ा मुश्किल है। फिर क्या है कि एक वक्त तो नहीं आना, हफ्ते में एक दफा तो नहीं आना, यहाँ पांच वक्त नमाज होती है। तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आने वाला है वो इतना अनॉय ना हो कि आना बंद कर दे। ये भी तो एक बड़ा जरूरी बात है, इंडिविजुअल डिग्निटी भी तो देखनी होती है ना, है हरे का नहीं, सारे आते हैं, एवरीबॉडी कम्स हियर। मतलब होता यह है कि जब हम जुमे पे आते हैं तो बाद दफा ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो आज से 10 साल पहले मिले हुए थे, अब बाकी यहाँ मिलते हैं आके, सारे आते हैं नमाज पढ़ने, हतुल मसा हर आदमी आता है, खास तौर पे जुमे की नमाज पढ़ने। हम मुसलमान है, वो हम तो उनको कहते हैं, हम उनको गैर अहमदी नहीं कहते, हम तो कहते हैं जो अपने आप को मुसलमान कहता है उसको कोई गैर मुस्लिम नहीं कह सकता, हम तो उनको गैर अहमदी मुसलमान कहते हैं। हमारे लॉजिक को आप क्या कहते हैं? देखिए हमारे, हम उनको गैर अहमदी मुसलमान कहते हैं, मतलब ये वो अहमदी नहीं है लेकिन वो मुसलमान है हमारे, हम मानते हैं आप, कौन कहता नहीं मानते। ये उसी तरह का प्रोपेगंडा है, ये उसी तरह का प्रोपेगंडा है जिस तरह ये प्रोपेगंडा है कि जी हम रसूलुल्लाह से हमारा ताल्लुक नहीं है, हम आखिर को आखिरी, लेकिन मैं आपको एक मोटी बात बता देता हूँ, आखिरी किताब मैं और उनकी हदीसों को हमारी आखिरी हदीसें कर चुका। छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो अमीर थे इनसे इस वक्त मलक ताहिर अहमद साहब इज एक्टिंग अमीर, ये जो यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, जो इससे पहले अमीर थे, सेशन जज रिटायर्ड थे जी फॉर लाहौर, और इस शेख मुनीर अहमद साहब वो सेशन जज रिटायर्ड थे, वो इससे पहले अमीर थे। कल जब उनको गोली लगी है तो गोली लगने के बाद उनको उनको किसी हमारे साथी ने एम डी ने कहा कि भाई आप जरा इस तरफ हो जाए जरा, और ना कोई मार, उन्होंने उस वक्त कहा कि देखो मुझे कुछ ना कहो, इस वक्त सिर्फ तुम दुरूद पढ़ो। ये कल उनका मरने से पहले ये आखिरी वसीयत थी जो हमें उन्होंने की परसों, मतलब तो हम किस तरह कह सकता है कोई, देखें ये सवाल नहीं कोई हमें माने या ना माने, इससे बहस नहीं है। जब हम खुदा को मानते हैं, जब हम रसूलुल्लाह सल्लम को मानते हैं, जब हम रसूलुल्लाह सल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, जब हम कुरान करीम को आखिरी शरीयत मानते हैं, जब हम कुरान करीम के तमाम अहकाम पे अमल करना अपना फर्ज समझते हैं, ना कर सके और बात है, कमजोरी हर इंसान में होती है, अगर हम नहीं कर सकते तो और बात है, खुदा ताला रहीम और गफूर है, वो वक्त भी देता है, लेकिन फर्ज हमारा यही है कि हम खुदा के हर हुक्म पे अमल करें और रसूल के हर हुक्म पे अमल करें। थैंक यू जी, शुक्रिया, मेहरबानी। एक मिनट आपको मैं वो स्टेटमेंट दे दूं।